हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू महादेव फैमिली वंस अगेन। आज संडे है और बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। हम आज स्पेशल फूड बनाएंगे, टिबेटन फूड है ये और इसको बोलते हैं लाफिंग। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था आटा, जिसका मैंने डो बना के यहाँ पर 10 मिनट पहले रख दिया हुआ है। तो मैदे से ये डो बनाएंगे और 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे रेस्ट करने के लिए, तो मैंने वो कर दिया था। और इसी को अलग करके, स्टार्च और ग्लूटेन को अलग करके लाफिंग बनाएंगे, जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये टिबेटन स्पेशल फूड है और स्नैक्स की तरह इसको एंजॉय करते हैं। तो डो बना दिया था मैंने, अब इसमें डालेंगे पानी। इसमें पानी डाल दो उधर, बस। तो इसमें मैंने डाला पानी ताकि ये डो इसके अंदर भीग जाए, और हम इसको धीरे धीरे पानी के अंदर भिगो करके और हाथ से मसल करके और स्टार्च और ग्लूटेन इसका अलग करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। मैं बाहर बैठ करके, बरांडे में बैठ करके बना रही हूँ, ये स्टार्च और ग्लूटेन को अलग कर रही हूँ इसको। तो यहाँ बरांडे में हम लोग बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आप आसपास भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया नज़ारा है, अच्छी धूप खिली हुई है, चिड़िया चहक रही है और बहुत ही खूबसूरत आसपास का व्यू बना हुआ है। और मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास लगा रहा है साथ के साथ। ये आप देख सकते हैं, मैंने छन्नी से जो है इसका स्टार्च यहाँ पे अलग कर दिया, ये है स्टार्च। और ये ग्लूटेन जो है इसको अलग कर दिया, ये ग्लूटेन आप देख सकते हैं, ये ग्लूटेन है और स्टार्च मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जो ग्लूटेन है बचा हुआ, इसको मैं बिल्कुल ठंडे पानी से अच्छी तरह से इसको धो लूँगी। और ये एक हेल्दी फूड है और स्टीम करके ही सारा ये बनाया जाता है। और अब जो प्रोसेस है इसकी, काफ़ी टाइम लगता है ये काम करने के लिए, पानी में बार 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 इसको मसल करके जो है ये स्टार्च अलग करना होता है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए कम से कम स्टार्च को रहने दूंगी, फिर ऊपर जो पानी ऊपर हो जाएगा, इसका जो पानी पानी है वो ऊपर हो जाएगा और थिक है स्टार्च का थिक पार्ट वो नीचे रह जाएगा। तो वो पानी वाला पोर्शन मैं अलग कर दूंगी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हल्का हल्का पानी ऊपर आया हुआ है, और फिर उस पानी वाले पोर्शन को मैं फेंक दूंगी। ये है ग्लूटेन, जो कि घर में किसी भी आटे में मिल जाएगा आपको, पर ये स्पेशली मैं मैदे से बना रही हूँ। अभी जो 2 घंटे का टाइम हो गया, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पानी इसका ऊपर आया हुआ है और स्टार्च इसका नीचे है। तो इस पानी को जो है मैं ऊपर से इसको पानी को फेंक दूंगी। अब मैंने जो है एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें काफ़ी पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो लाफिंग बनेगा वो स्टीम करके बनेगा इसके अंदर। ये मैंने गर्म करने के लिए रख दिया यहाँ पर। और इस मोमो वाले बर्तन में मैंने क्या किया, पानी डाल दिया जो गर्म हो रहा है, और इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल यहाँ पे ऑयलिंग कर दी मैंने थोड़ी सी। और अब ये जो मैंने ग्लूटेन अलग किया था उसमें थोड़ा सा ईस्ट डालूंगी ताकि ये फूल जाए। ये थोड़ा सा ईस्ट इसके अंदर मैंने डाला और थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैश कर देना है, और फिर मैं इस मोमो वाले बर्तन में इसको डालूंगी पकाने के लिए, क्योंकि ये सारा स्टीम्ड है तो स्टीम करके ही ये सारा बनेगा। और ये देखिए, ये मैंने कर दिया और मैं अब यहाँ पर इसको मोमो वाले बर्तन में इसको डाल रही हूँ, और ये करूँगी मैं इसको 10 मिनट के लिए स्टीम। और टाइम बीइंग यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा, मैंने पानी उसका अलग कर दिया और उसको एक बार फिर से मैंने छान लिया दूसरे पतीले के अंदर। और ये आप देख सकते हैं, ये बचा हुआ है स्टार्च, ये देखिए नीचे से काफ़ी जमा हुआ है, तो वो मैं इसके हिला करके इसके साथ जो है ये लिक्विड बना दूंगी। और ये देखिए स्टार्च कितना बढ़िया बना हुआ है, ग्लूटेन अलग और स्टार्च अलग इसका हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जो है पहले कुछ
बना के रखा था ग्लूटोन अलग करके, तो इस तरह से इसका जो ग्लूटोन है पकने के बाद मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में इसको डाल दिया, क्योंकि जब लफिन बनाएंगे तो उसके अंदर इसको डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। नेक्स्ट प्रोसेस में जो है मैं क्या करती हूँ, एक ली मैंने यहाँ पे प्लेट और उसमें ऑयलिंग करूँगी, और ऑयलिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये स्टार्च एक बार फिर से इसको हिला देना है अच्छी तरह से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इस प्लेट में डालूंगी। और एक तो वाइट कलर में बनता है लाफिंग, दूसरा इसमें जो है येलो जैसा कलर आता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। और ये नेचुरल वे से है, कोई भी मैंने फूड कलर इसमें मिक्स नहीं किया है, तो ये हल्दी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डाल दी है, तो जो लाफिंग बनेगा इसके अंदर ये नेचुरल कलर आएगा हल्दी का, येलोश जैसा, और बहुत सुंदर लगता है। वाइट कलर में भी बनता है लेकिन येलोश कलर में जो है मैं बना रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया लगता है ये। इसको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, हिला देना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे और प्रॉपर इसके अंदर कलर आए। अब मैंने इसमें जो ऑयलिंग की हुई प्लेट के ऊपर, यहाँ पर डालूंगी मैं ये स्टार्च, यहाँ पर ये मैंने ये स्टार्च डाल दिया, और आप ये देख सकते हैं इस तरह से। फिर ये जो मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, इस प्लेट को यहाँ रखूंगी क्योंकि ये स्टीम में बनाऊंगी, और ये पानी के ऊपर आपने रखनी है, थोड़ी सी डीप उसकी प्लेट लेनी है आपने, फिर इस ऊपर को इसको ढक देना है, तो कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया तैयार, और सावधानी से इसको बाहर निकालना है मैंने, तो ये थोड़ी देर में ऐसे रहने देती हूँ थोड़ा ठंडा होकर के, फिर इसको मैं निकालूंगी। और इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी ये सॉस, आप देख सकते हैं ये स्पेशल सॉस जो है लफिंग के लिए बनाई जाती है, बहुत तीखी होती है ये, और अगर आपने तीखा कम खाना है तो आप कम तीखे वाली मिर्च आप ये कर सकते हैं, ग्राइंड करके इसको बना सकते हैं। अगर आपने देखना है कि ये किस तरह से बनाई जाती है तो मैं फिर कभी दिखाऊंगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इस तरह से आपने नाइफ से साइड से इसको अलग करना है, फिर बहुत गर्म है तो थोड़ा वेट मैं कर लेती हूँ, तो फिर आपने हल्के से इसको बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से, ये आपका ये ऐसे इसको खींचना है, तो ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर वेट करते हैं इसका। ये देखिए ये बन गया लाफिंग, इस तरह से बिल्कुल पतला सा बनेगा, और टाइम बीइंग तक मैं नेक्स्ट इसमें डाल देती हूँ, और ऑयलिंग करनी है मैंने फिर से प्लेट में, और वही सेम प्रोसीजर, क्योंकि ये तब तक नीचे ठंडा हो जाएगा। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर स्टार्च, ये आप देख सकते हैं, और फिर से बिल्कुल सावधानी से डालूंगी इसके अंदर, और ऊपर से इसको कवर कर दूंगी। और अब यह मैं बताती हूँ कि क्या करना है। ये जो सॉस मैंने यहाँ तैयार करी है बहुत ही स्पाइसी है, और इसमें मैं ये डालूंगी थोड़ी सी सॉस, आपने जितनी आपने खानी है उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें सॉस डाल सकते हैं। और ये मैंने पेस्टिंग कर दी सॉस की, क्योंकि इसमें सॉल्ट भी डाला हुआ है सॉस के अंदर, और जो मैंने अभी ये बनाया हुआ है ग्लूटोन का स्टीम करके, ये इसके अंदर डाल दिया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी सॉस ये डाल देते हैं, पेस्टिंग करेंगे सॉस की। और अब मैं इसको ये इसको रोल करूँगी, ये इस तरह से इसको रोल कर दिया, इसको छोटे पीसेस में नाइफ से काट के ये हो गया तैयार। तो इसके साथ जो है एक्स्ट्रा कोई भी सॉस आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसमें बहुत ज़्यादा तीखा है ये। ये देखिए ये मैंने बना दिया लाफिंग, और आप इसको जो
टूथपिक होता है ना उसके साथ भी खा सकते हैं, और आप इस तरह से उसको फोक के साथ भी खा सकते हैं। और ये मैं आज खुद ही टेस्ट करने वाली हूँ। वाओ, बहुत ही टेस्टी, लाफिंग। और दोस्तों ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बनाया और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, टेस्टी है। और ये मेरे एक टिबेटन फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट, मज़ा आ गया। और मेरा बेटा यहाँ आया हुआ है, अब ये छीन के लेके जा रहा है और एक इसको खिलाती हूँ मैं, ये खा के बताना ज़रा कैसा जैसा बना है। बढ़िया, कैसा लगा? बढ़िया। तो उनसे सीखा था और ये पहली बार मैंने बनाया। और आप भी दोस्तों बनाइए, स्टीम्ड फूड है, और बनाइए, खाइए और खिलाइए। कंप्लीट स्टीम फूड है ये, बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार। जिनको स्पाइसी खाना है उनके लिए स्पाइसी बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है, और इसको भी बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा आप मेरे को? बहुत बढ़िया, बाज़ार से मच बेटर है ना, घर में बनाइए, और हाइजीनिक है और बहुत टेस्टी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।